क्या आप जानते हैं कि लखनऊ जैसे शहर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। लोग कहने लगे कि जहां पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वहां के लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। आज की कहानी एक ऐसी ही लेडी पुलिस की है जिसके फैसलों ने उसकी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रुचि सिंह केस। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर से। यहीं पर पुलिस हेडक्वार्टर है जहां पर एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी करती थी। कहानी 12 फरवरी 2022 की है। वैसे रुचि सिंह की पोस्टिंग बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में थी और ये यहीं पर ड्यूटी करती थी, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा था इसलिए इनकी ड्यूटी पुलिस हेडक्वार्टर में लगी थी। ऐसा होता है जब कभी जरूरत पड़े या इलेक्शन के टाइम पर आसपास के जिलों से पुलिस स्टाफ बुलाया जाता है और इनकी ड्यूटी पुलिस हेडक्वार्टर में लगाई जाती है। इसी तरह से 28 साल की रुचि सिंह की ड्यूटी भी पुलिस हेडक्वार्टर में लगी थी। इनका मूल रूप से निवास बिजनौर का था। परिवार के बाकी लोग जैसे माता पिता और भैया भाभी सभी लोग बिजनौर में ही रहते थे, लेकिन ड्यूटी की वजह से रुचि को लखनऊ में ही रहना पड़ता था। इन्होंने अर्जुन नगर में एक किराए का कमरा भी ले रखा था। 12 फरवरी 2022 की रात रुचि की भाभी रुचि को फोन करती हैं। अभी 9 बजे के आसपास का समय था। रुचि ने फोन उठाया और बोला कि अभी अभी इसकी ड्यूटी खत्म हुई है, ये कैब लेकर के घर जा रही है, थोड़ी देर में पहुंचकर फोन कर देगी। भाभी ने बोला ठीक है, फिर फोन कट गया। अब भाभी फोन का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटा बीत गया लेकिन अभी तक रुचि ने फोन नहीं किया। भाभी को लगा कि रुचि भूल गई होगी। अब ये वापस से फोन करती हैं पर रुचि का फोन स्विच ऑफ था। भाभी ने सोचा कि वो खाना वगैरह बना रही होगी या थक कर सो गई होगी, फोन चार्ज नहीं होगा। इसके बाद ये फोन नहीं करती हैं। अब 13 फरवरी का दिन शुरू हो गया। आज संडे था, रुचि की आज ड्यूटी नहीं थी ऐसा भाभी को लगता था। इन्होंने 13 फरवरी की सुबह 8 बजे फिर से रुचि को फोन किया, अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ था। भाभी ने सोचा चूंकि छुट्टी है तो वो सो रही होगी। इसके बाद ये 10 से 10:30 बजे के बाद फोन करती हैं, अभी भी फोन स्विच ऑफ था। भाभी को कोई काम था इसलिए कल रात से ही रुचि को फोन कर रही थी। केवल वही पहली बार कॉल करने पर रुचि ने बताया था कि वो कैब में है। उसके बाद से जितनी बार भी फोन किया गया उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। भाभी को थोड़ी फिक्र हुई। इनके पास रुचि के एक कलीग का भी नंबर था, ये भी पुलिस कांस्टेबल थी और रुचि के साथ ड्यूटी करती थी। भाभी ने कलीग को फोन किया और रुचि के बारे में पूछा। कलीग ने बताया कि इलेक्शन की वजह से मेरी और उसकी ड्यूटी हेडक्वार्टर में लगी हुई है। आज संडे है फिर भी हमारी ड्यूटी है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। पहले उसने कभी ऐसा किया भी नहीं है। छुट्टी लेनी होती तो वो एप्लीकेशन देती या इमरजेंसी में फ़ोन कर देती, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो या फिर उसका फ़ोन खराब हो गया हो। भाभी उसके बारे में पता लगाने को कहती हैं। कलीग ने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ, उसके घर जाऊँगी। इसके बाद फ़ोन कट गया। कलीग अपनी ड्यूटी में बिजी थी। ड्यूटी के बीच में वो रुचि को देखने के लिए नहीं जा सकती थी, लेकिन इन्होंने ब्रेक में 2 बार रुचि को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। शाम को जब कलीग की ड्यूटी से छुट्टी होती है तो ये रुचि के घर पर जाती हैं। कभी कभार ये रुचि के घर पर आती जाती थीं, इसी वजह से इनकी मकान मालिक से भी जान पहचान हो गई थी। 13 फरवरी की रात में जब ये रुचि को देखने के लिए उसके घर पर आईं तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। ये मकान मालिक से पूछती हैं कि रुचि कहाँ पर है। मकान मालिक बोले वो तो कल सुबह में ड्यूटी पर गई थी, उसके बाद से घर नहीं आई। वो अपने घर चली गई होगी क्योंकि जब भी उसकी 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है तो वो अपने घर चली जाती है। वो बताकर तो जाती है लेकिन इस बार नहीं बताया। हो सकता है कि वो ड्यूटी के बाद ही अपने घर के लिए रवाना हो गई हो, यहाँ आई ही ना हो इसलिए बता नहीं पाई। मकान मालिक से बात करने के बाद कलीग ने वापस रुचि की भाभी को फ़ोन किया और पूछा कि रुचि वहाँ तो नहीं आई। भाभी ने बोला अगर उसको आना होता तो उसने पहले ही बता दिया होता, 2-3 घंटों का रास्ता है, उसको आना होता तो अब तक आ भी गई होती। मामला अब गंभीर होने लगा, भाभी की चिंता बढ़ने लगी, कलीग भी थोड़ी परेशान होती है। भाभी ने घर वालों को रुचि के बारे में बता दिया। अगले दिन 14 फरवरी को रुचि का परिवार लखनऊ आ जाता है बेटी को ढूंढने के लिए। जहां पर वो रहती थी वहां के मकान मालिक से बात किया जाता है, जो कलीग थी उसके पास जाया जाता है। इधर उधर पता करते करते शाम हो गया। रुचि की कलीग ने इसी दिन रुचि की एक फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पर पोस्ट कर दी और लिखा कि ये पुलिस कांस्टेबल है, इसका नाम ये है, 12 फरवरी की शाम अपना ड्यूटी खत्म करके घर के लिए ये रवाना होती है, लेकिन ये घर पर नहीं पहुंची, ये लापता है। नीचे इसने रुचि के परिजनों का नंबर भी दे दिया, जिसको पता चले वो इन्फॉर्म करें। अब एक लेडी पुलिस कांस्टेबल गायब हुई थी जिस वजह से पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा।
अगले दिन 15 फरवरी तक ये पोस्ट हाई ऑफिशियल्स तक पहुंच गया। वो बहुत नाराज होते हैं। एक पुलिस वाली गायब हुई है और दूसरी पुलिस वाली उसके बारे में सोशल मीडिया पर बता रही है, ढूंढने की अपील कर रही है। ऐसा करने से पहले उसे मिसिंग कंप्लेन लिखानी चाहिए थी, फिर ये खबर ऑफिशियल तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। एक सिस्टम में रहकर जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया। लेडी पुलिस कांस्टेबल के इस एक्शन से पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही थी। रूल तोड़ने की वजह से लेडी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर इनडिसिप्लिनरी एक्शन के तहत एक वार्निंग लेटर जारी किया गया। रुचि के घर वाले भी एक थाने से दूसरे थाने अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। इलेक्शन की वजह से सभी लोग बिजी थे, कोई इस मिसिंग केस पर ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा था। दो दिन और बीत गया, 17 फरवरी आ गया। इसी दिन एक आदमी कहीं से गुजर रहे थे, इन्होंने 112 इमरजेंसी नंबर पर फोन किया। ये कॉल सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में लगता है। आदमी ने बताया कि लखनऊ में जो PGI इलाका है, यहीं कल्ली माटी मोहल्ले में एक नाला है, नाले के अंदर एक शव तैर रहा है। ये सुनते ही वायरलेस पर अनाउंस किया जाता है। नजदीकी पुलिस स्टेशन से एक टीम स्पॉट पर पहुंचती है। वो शव किसी लड़की का लग रहा था, चेहरा पहचानने लायक था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक तरफ रुचि के घर वाले दर दर भटक रहे थे, बेटी को ढूंढ रहे थे, इधर एक लड़की का शव मिल गया। इसके बाद दो दिन और बीत गए। किसी भी पुलिस वाले ने इन दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही कुछ खास एक्शन लिया गया। एक लावारिस लाश के तौर पर शव का पोस्टमार्टम किया गया। 17 फरवरी को बॉडी मिली थी। 19 फरवरी तक रुचि के घर वाले एक पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। ये कहते हैं कि इनकी बेटी पिछले कई दिनों से गायब है। 12 फरवरी की रात उससे आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। वो कहीं गायब है, कहीं मिल नहीं रही। इसी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल थे, ये बिजनौर के ही रहने वाले थे, यानी रुचि के इलाके के थे। घर वाले भी इन्हें अच्छे से जानते थे। घर वाले इनसे बात करते हैं। अचानक इनको याद आया कि परसों यानी 17 को वायरलेस पर एक अनाउंसमेंट हुआ था कि कहीं पर एक लड़की का लावारिस शव मिला है। कांस्टेबल घर वालों को इस बारे में बताते हैं। इन्होंने आगे कहा कि आप लोग एक बार मुर्दा घर में जाकर देख लीजिए। घर वाले गायब हुई बेटी को ढूंढ रहे थे। कोई बोले कि मुर्दा घर में लाश की पहचान कीजिए। ये सुनकर के घर वालों की हालत खराब हो गई। ये बोले कि हमारी बेटी तो गायब है, फिर हम कोई लाश क्यों देखें। कांस्टेबल इन्हें लेकर के मुर्दा घर जाते हैं। जो दो दिन पहले शव आया था उसको सामने लाया जाता है। लावारिस के तौर पर इसका पोस्टमार्टम हो चुका था। माता पिता और भैया भाभी शव को देखते हैं। देखते ही घर वालों का रोना पीटना शुरू हो गया। ये पहचान गए कि ये शव इनकी बेटी रुचि की है। ये मुर्दा घर ऐसा था कि हर रोज 5 से 6 लाशें आती थीं। यहीं पर कुछ मीडिया के लोग भी खड़े रहते थे न्यूज के लिए। रुचि के पोस्टमार्टम में पता चला कि गले पर गहरे निशान थे, जैसे कि गला घोटा गया हो। ये साफ साफ कत्ल का मामला लग रहा था। यहीं पर मीडिया के लोग थे ही। परिजनों से बात करने पर पता चला कि शव एक पुलिस कांस्टेबल की है। मीडिया वालों को वो पोस्ट याद आती है जो उस दिन वायरल हुई थी, लेकिन अब उसका कत्ल हो चुका है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी, मीडिया में चल गई। ये खबर तेजी से फैलने लगती है। 12 फरवरी को कांस्टेबल गायब हुई थी, 17 को इनका शव मिला, 19 तारीख को जाकर शव की पहचान होती है। लेकिन इनके परिजन 14 तारीख से ही इधर उधर भटक रहे हैं। लेडी कांस्टेबल का कत्ल हुआ है। ऐसी खबर जब मीडिया में चली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। लोग कहने लगे कि जब पुलिस वाले ही अपने स्टाफ की सुरक्षा नहीं कर सकते तो वो आम जनता की क्या करेंगे। अब ये केस हाईलाइट होता है, बड़े ऑफिसर्स की नज़र इस पर पड़ती है। इन्होंने पहले सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रुचि का केस दर्ज करवाया। अब पुलिस एक्शन मोड में आती है। रुचि के शव के पास से इसका मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था। इसकी लोकेशन हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। रुचि के फोन में एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे इसने फोन के स्विच ऑफ होने से पहले लंबे लंबे समय तक बातें की थी। ज्यादातर इसी नंबर पर रुचि बात करती थी। पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा और घंटों घंटों इसी नंबर पर बात हुई थी। कभी रुचि कॉल करती तो कभी उस तरफ से कॉल आता। अभी 19 फरवरी की तारीख चल रही थी। रात में 9 बजे तक पुलिस कमिश्नर ने एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज कराई। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग टीम, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स और सर्वेलांस करने वाली टीम को बुलाया गया। कमिश्नर साहब ने कहा कि केस में बहुत लापरवाही की गई है। किसी ने केस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? कंप्लेन पहले क्यों नहीं लिखाई गई? एक लेडी कांस्टेबल मिसिंग है, इस पर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो बेसिक काम करना चाहिए था वो भी नहीं किया गया। इसके बाद कमिश्नर साहब आगे की अपडेट पूछते हैं। सर्वेलांस टीम को लीड करने वाले ऑफिसर ने बताया कि एक शख्स के बारे में पता चला है। ये प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले रानीगंज तहसील का तहसीलदार है, पद्मेश श्रीवास्तव।
इसकी रुचि सिंह से काफी बातचीत होती थी। कोई भी जान पहचान के लोग इतनी बातें नहीं करते जितना ये लोग कर रहे थे। शायद परमेश को रुचि के बारे में पता हो, यही एक लीड मिला है, इससे पूछताछ करनी चाहिए। कमिश्नर साहब केस को लेकर काफी सीरियस थे। इन्होंने आदेश दिया कि आज रात को ही परमेश को अरेस्ट करने के लिए निकलना होगा। मीडिया वालों को अब तक इस आदमी के बारे में पता चल गया होगा, वो इसके बारे में कल सुबह जरूर छापेंगे। अगर उसका नाम सामने आया तो हो सकता है कि वो कहीं भाग जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, फिर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कल सुबह का अखबार लोगों तक पहुंचने से पहले परमेश यहां होना चाहिए। इसके बाद ऑफिशियल्स रात के करीब 12 बजे लखनऊ से प्रतापगढ़ के लिए रवाना होते हैं। सुबह में 4 बजे तक ये लोग प्रतापगढ़ पहुंच भी गए। सबसे पहले ये एसपी ऑफिस जाते हैं। यहां पर एसपी साहब और एक इंस्पेक्टर से मुलाकात होती है। इनको सारा कुछ बताया जाता है। पद्मेश श्रीवास्तव के बारे में जो भी पता चला था लखनऊ से आए ऑफिशियल्स इंस्पेक्टर को बताते हैं। इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों को फोन घुमाया। जानकारी मिली कि पद्मेश श्रीवास्तव नाम का तहसीलदार रानीगंज के कंपनी बाग में एक ट्रांजिट हॉस्टल में रहता है। ये पता चलने के बाद लखनऊ से आई पुलिस की टीम और प्रतापगढ़ की पुलिस पद्मेश को लेने के लिए ट्रांजिट हॉस्टल में पहुंचती है। अभी सुबह के 5 बज रहे थे। पुलिस ने पद्मेश के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। पद्मेश नींद में था, इसी ने दरवाजा खोला। इसको हिरासत में ले लिया गया और सीधे लखनऊ लाया गया। 9 बजे तक पुलिस की टीम लखनऊ पहुंच गई। अब पद्मेश से पूछताछ शुरू होती है। इसने स्वीकार कर लिया कि ये रुचि को जानता है। पुलिस जब भी कॉल्स के बारे में पूछती तो ये कहता कि काम के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी, काम से रिलेटेड ही इससे बातचीत होती थी। ऐसे ही ये बातों को घुमा घुमा कर बात कर रहा था, ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। सर्वलांस टीम ने इस समय तक कॉल डिटेल्स की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। कब कब कितने बजे कितनी देर बात हुई थी, कब किसने कॉल किया था, कॉल करने के दौरान कौन कौन कहां कहां पर था। जब पद्मेश संतुष्टि भरे जवाब नहीं दे रहा था तो इंटेरोगेट करने वालों ने इसको सब कुछ बताया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पद्मेश ने स्वीकार कर लिया कि रुचि का कत्ल इसने किया है। इससे और रुचि के घर वालों से जो भी पूछताछ की गई थी सब कुछ इस प्रकार से है। रुचि सिंह बिजनौर के नजीबाबाद की रहने वाली थी। 2019 में ड्यूटी के दौरान इसकी मुलाकात एक कांस्टेबल से होती है, उसका नाम था नीरज गुप्ता। दोनों कलीग थे, साथ में नौकरी करते थे, दोनों में दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने अपने अपने घर पर एक दूसरे के बारे में बताया। ये लोग जात पात पर उतना ध्यान नहीं देते थे। दोनों के घर वाले शादी के लिए मान गए। 2019 में ही इनकी शादी करा दी गई। शादी के बाद कुछ दिन इन्होंने साथ में बिताया, फिर दोनों का अलग अलग जगह पर ट्रांसफर हो गया। ये एक दूसरे से दूर हो गए। केवल छुट्टी छुट्टी में ये साथ रह पाते थे। रुचि का बीकानेर में ट्रांसफर हो गया और नीरज का प्रयागराज में। दोनों की मजबूरी थी, ड्यूटी की वजह से इन्हें अलग अलग रहना पड़ रहा था। रुचि फेसबुक पर काफी एक्टिव थी। 2019 में ही फेसबुक पर रुचि की मुलाकात पद्मेश श्रीवास्तव से होती है। ये रुचि के पोस्ट पर अच्छे अच्छे कमेंट करता था। खुश होकर रुचि इससे फेसबुक पर ही चैटिंग करने लगी। दोस्ती गहरी हुई तो नंबर एक्सचेंज किया गया और कॉल पर बातें शुरू हो गईं। पद्मेश भी अच्छा काम करता था, तहसीलदार था। रुचि की जब भी छुट्टी होती तो ये अपने घर पर नहीं जाती थी, ये पद्मेश से मिलने ट्रांजिट हॉस्टल में छुप कर जाती थी। एक दिन नीरज को शक हुआ कि रुचि का इस आदमी के साथ कुछ तो चल रहा है, क्योंकि वो रुचि की फोटोज पर कॉमेंट्स करता था और रुचि भी रिएक्ट करती थी, उसके पोस्ट पर भी कॉमेंट करती थी। दोस्तों के जरिए नीरज को ये बात पता चली थी। इन्होंने अब पद्मेश और रुचि पर निगरानी रखना शुरू कर दिया, अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट किया। इनको लग गया कि दोनों में अफेयर चल रहा है। इन्होंने रुचि से इस बारे में बात की। इसके बाद दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। रुचि ने पद्मेश को बताया कि इसके पति को तुम्हारे हमारे अफेयर के बारे में पता चल चुका है। पद्मेश सीधे कहता है कि तुम उसे डाइवोर्स दे दो, बोलो कि डाइवोर्स के पेपर तैयार कराओ, वरना तुम्हारे ऊपर डाउरी केस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाकर जेल भिजवा दूंगी, नौकरी भी चली जाएगी। तुम महिला हो तो लोग आसानी से भरोसा कर लेंगे। नीरज भी जानता था कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। पत्नी ने अफेयर की वजह से अपने पति पर झूठा केस बनाकर नौकरी से निकलवाया है। नीरज को लगा कि डाइवोर्स लेना ही ठीक होगा। कौन ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जिसका शादी के बाद भी किसी से अफेयर हो। नीरज ने वकील से बात करके डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाए और पूरे प्रोसीजर के साथ डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स के बाद रुचि आजाद हो चुकी थी। अब इसे छुप छुप कर पद्मेश से मिलना नहीं पड़ेगा। ये जब चाहे पद्मेश से मिलने जा सकेगी। इसे जब भी छुट्टी मिलती या फिर छुट्टी लेकर सीधे पद्मेश के हॉस्टल पहुंच जाती। दोनों अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पद्मेश का हॉस्टल ऐसा था जहां पर केवल सरकारी कर्मचारी ही रहते थे। इनमें वो लोग थे जिनका ट्रांसफर हुआ हो और घर मिलने में देरी हो रही हो। यही लोग ट्रांजिट हॉस्टल के फ्लैट्स में रहते थे।
यहाँ पद्मेश के कलीग उसके सीनियर और जूनियर कर्मचारी भी थे। रूचि पद्मेश से खुलकर मिलने लगी। हॉस्टल में कई लोगों ने इसे देख लिया। एक दिन किसी ने पद्मेश के घर पर फोन कर दिया। पद्मेश की पहले ही शादी हो चुकी थी, इसके दो बच्चे भी थे। किसी ने पद्मेश की पत्नी को फोन किया और सब कुछ डिटेल में बता दिया। पद्मेश की पत्नी का नाम था प्रगति। सच्चाई जानने के बाद प्रगति अपने पति को फोन करती है, इससे उस औरत के बारे में पूछती है। पद्मेश घबरा गया और सब कुछ सच सच बता दिया। जब फोन कटा तो पद्मेश ने रुचि को फोन किया और बताया कि इसकी बीवी को तुम्हारे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। रुचि हैरान हो गई। इसको नहीं पता था कि पद्मेश शादीशुदा है। इसके ही वजह से रुचि ने अपने पति को डाइवोर्स दिया था। पद्मेश कहता है कि अभी मेरी बीवी तुम्हें फोन करेगी। ये पूछती है कि नंबर किसने दिया। ये कहता है कि मैंने दिया, देना पड़ गया, मजबूरी थी। अगर वो कुछ बोले या खरी खोटी सुनाए तो तुम सुन लेना, उल्टा जवाब मत देना। इसके बाद फोन कट गया। फोन के कटते ही प्रगति का फोन रुचि को आता है। एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड के बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रगति रुचि को बहुत कुछ सुनाती है। रुचि ने कहा कि तुम अपने पति से बात करो, उससे पूछो कि किसकी गलती है, शुरू किसने किया था, कौन पहले बात करने के लिए आया था। ये सब बातें तो हो गईं। अगले ही पल प्रगति अपने ससुराल से निकलती है और सीधे ट्रांजिट हॉस्टल पद्मेश के पास चली आती है। इसके बाद जब भी रुचि का फोन पद्मेश को आता तो प्रगति फोन छीन करके बात करती। धीरे धीरे पद्मेश बात करना कम करने लगा। जब भी बात करता तो अपने ऑफिस से करता, क्योंकि घर पर प्रगति फोन लिए हुए रहती थी। रुचि को अब जाकर पता लगा कि जिसके साथ ये इतने दिनों से लिविन में रह रही थी वो शादीशुदा है, बाल बच्चों वाला है। रुचि ने इसी आदमी के लिए प्यार करने वाले उस पति को डाइवोर्स दे दिया। इसको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके पास केवल एक ही रास्ता था, पद्मेश से शादी करना। अब रुचि पद्मेश को बोलने लगी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया, अब तुम भी अपनी पत्नी को डाइवोर्स दो, मुझसे शादी करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। ये कहता है कि घर पर मत आओ, यहाँ पर पत्नी आ गई है। रुचि कहती है कि वहाँ पर आकर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या तुमने किया, किस तरह से मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। पद्मेश जानता था कि रुचि कैसी है, वो यहाँ पर आकर तमाशा खड़ा कर देगी, केस भी कर सकती है। ये अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। अगर रुचि यहाँ पर आई तो इसकी बहुत बदनामी होगी, घर परिवार, ससुराल, दोस्तों में, हर जगह पर पता चल जाएगा। पद्मेश अब रोज रोज एक ही चीज को लेकर इरिटेट होने लगा। अब तक 2022 का साल आ चुका था। पद्मेश ने सोच लिया कि इसको क्या करना है। जब रुचि का फोन आया तो इसने बोला कि 12 फरवरी को तुमसे मिलने के लिए लखनऊ आएगा, बैठकर शादी की डेट फिक्स करेंगे। रुचि ने कहा ठीक है, जब तुम पहुंचना तो फोन कर देना, मैं उस जगह पर आ जाऊंगी। अब 12 फरवरी की तारीख आती है। पद्मेश की ड्यूटी खत्म होने के बाद ये एक गाड़ी से लखनऊ की ओर निकलता है। साथ में इसके नामवर सिंह नाम का एक आदमी भी था। दोनों शाम के 6 बजे निकलते हैं, 9 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। रुचि को फोन किया गया, उसने बोला कि वो कैब में है, जगह बताओ आ रही हूँ। पद्मेश कहता है कि PGI के मेन गेट के पास आ जाओ, मैं पहुंच रहा हूँ। रुचि जगह पर आकर दोबारा फोन करती है। पद्मेश कहता है कि PGI के मेन गेट से थोड़ी दूर आओ, वहीं पर एक गाड़ी खड़ी होगी। जहां पर ये लोग थे वो जगह सुनसान थी, थोड़ा अंधेरा भी था। कैब वाला रुचि को गाड़ी के पास छोड़कर चला गया। पद्मेश उतरता है, साइड से आकर रुचि को गाड़ी में बैठाता है, फिर ये खुद गाड़ी में बैठ गया। दोनों के बैठते ही नामवर गाड़ी से उतर जाता है। पद्मेश रुचि से मीठी मीठी बातें करने लगा। डाइवोर्स में थोड़ा टाइम लगेगा, 9 मई तक काम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। थोड़ी देर बातचीत होती है। कुछ मिनट के बाद नामवर चाय लेकर के आता है, कहता है कि सर देरी हो गई, चाय पी लीजिए। सबसे पहले इसने रुचि को चाय दिया, फिर पद्मेश को। चाय पीकर रुचि बेहोश होने लगी। नामवर ने चाय में नींद की गोलियां मिला दी थीं। घर से ही गोलियों को पीसकर पुड़िया बनाकर लाया था। सब कुछ प्लान के तहत हो रहा था। इसके बाद नामवर गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी चल पड़ती है। रास्ते में ही पद्मेश रुचि का गला दबाने लगा। रुचि पहले ही बेहोश थी, अब खत्म हो गई। नामवर सिंह आसपास का एरिया जानता था। ये एक सुनसान जगह पर गाड़ी को लेकर गया। एक नाले के पास गाड़ी रोककर रुचि को नाले में फेंक दिया। इसके बाद ये लोग सीधे प्रतापगढ़ आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चला कि जब पद्मेश शाम को घर से निकल रहा था तो पत्नी ने इससे पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। पद्मेश कहता है तुम्हारी परेशानी दूर करने जा रहा हूँ और तुम्हारा काम करके ही आऊँगा। पत्नी कहती है ठीक है जाओ, रोज रोज यही सब देख और सुनकर मैं भी परेशान हो गई हूँ। फिर काम पूरा होने के बाद रात के 2 बजे पद्मेश और नामवर प्रतापगढ़ आते हैं। इस समय प्रगति अपने पति का इंतजार कर रही थी। पद्मेश ने कहा काम पूरा हो गया है,
ये सब खुलासा होने के बाद प्रगति को भी अरेस्ट कर लिया गया। कहीं ना कहीं ये भी कत्ल में शामिल थी। ये जो नामवर सिंह था लखनऊ का रहने वाला था, लेकिन इसका घर प्रतापगढ़ में था। किसी जमीन के सिलसिले में इसका मुकदमा चल रहा था, इसी सिलसिले में ये पद्मेश से मिला था। पद्मेश ने कहा कि तुम्हारा मुकदमा खत्म हो जाएगा अगर तुम मेरा काम करो तो, इसीलिए नामवर साजिश में शामिल हो गया। पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल की गई और सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। अभी ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।